वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बाबत घोषणा करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए एहतियातन दिल्ली के सभी सिनेमा हॉल 31 मार्च तक के लिए बंद किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि जिन स्कूल और कॉलेजों में परीक्षाएं नहीं चल रही हैं, उन्हें भी 31 मार्च तक के लिए बंद किया जा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह तैयारी कर रही है। अस्पतालों को काफी हद तक तैयार कर लिया गया है, बाकी व्यवस्था भी की जा रही है। अब तक लोगों का काफी सहयोग रहा है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। सूत्रों के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में अहम बैठक कर निर्णय लिए गए। सीएम ने कहा कि बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिनमें सभी सिनेमा हॉल, स्कूल और कॉलेज जहां परीक्षा नहीं है 31 मार्च तक के लिए बंद किए गए हैं। अब तक 73 मामले, इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को पुष्टि की है कि देश में अभी तक कोरोना वायरस से पीड़ित कुल 73 मामलों में 56 भारतीय और 17 विदेशी हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के अभी तक 121,654 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम और जागरूकता के लिए केंद्र सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस नंबर पर फोन कर आप इस वायरस से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अभी कोरोना के मुद्दे के ऊपर मीटिंग हुई, जिसमें दिल्ली सरकार के सभी अधिकारी मौजूद थे, सभी डिपार्टमेंट्स के LG साहब के साथ, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर वगैरह सब मौजूद थे। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, दिल्ली सरकार पूरी तरह से स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अभी तक जो जो मेजर्स लिए गए हैं, उन सारे मेजर्स का रिव्यू किया गया और आगे कुछ निर्णय लिए गए हैं। एक तो ये कि सभी सिनेमा हॉल्स 31 मार्च तक के लिए बंद किए जा रहे हैं। सभी स्कूल्स और कॉलेजेस जहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं है, जो एग्ज़ाम्स हैं बस वो चलते रहेंगे, बाकी सभी स्कूल्स और कॉलेजेस 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जो क्वारंटाइन करने के लिए सफिशेंट बेड्स हम लोगों के पास हैं, मतलब अगर किसी को आइसोलेशन में रखना है, क्वारंटाइन करना है, तो उसके लिए सफिशेंट बेड्स का इंतज़ाम किया गया है। उसमें जो हमारे दुसिब के खाली फ्लैट्स पड़े हुए हैं, वहाँ इंतज़ाम किया जा रहा है। जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल्स थे जैसे बुराड़ी वगैरह में, वहाँ पे भी हम क्वारंटाइन करने के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। इसके अलावा 600 से ज़्यादा बेड्स, 500 से ज़्यादा बेड्स ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर तैयार हैं। अगर मरीजों को ज़रूरत पड़ेगी उतने मरीज एडमिट करने की, तो उनको एडमिट करने के लिए भी तैयार हैं। तो दूसरा एक ये निर्णय लिया गया कि जितने भी एक आज इसको एपिडेमिक डिक्लेयर किया जा रहा है दिल्ली के अंदर कोरोना को, और सभी पब्लिक प्लेसेस जितने हैं, जैसे जितने सरकारी दफ्तर हैं, जितने प्राइवेट दफ्तर हैं, जितने मॉल्स हैं, शॉप्स हैं, सभी के लिए ये कंपलसरी किया जा रहा है कि डेली आप अपने अपने पब्लिक प्लेस को डिसइनफेक्ट करेंगे। डिसइनफेक्ट करने के लिए वो मतलब अगर 100 लीटर पानी है तो 1% उसके अंदर वो मिलाना पड़ता है सोल्यूशन, उससे आप अपने अपने पब्लिक प्लेस को डिसइनफेक्ट करेंगे ताकि कोरोना से लोगों को बचाया जा सके। तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं, ये इस बीमारी को देखते हुए कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कितनी तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है। अभी तक हमारे देश के अंदर इसको हम सब लोगों ने मिलके, खासकर इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग लोगों का रहा है, सब लोगों ने मिलके इसको कंटेन किया है। अगर हम इसी तरह से चौकन्ने रहे तो हम इस बीमारी से हमारा देश बच सकता है। वो आज लागू हो रहा है, आज लागू हो रहा है। सिनेमा हॉल तो अभी बस ऑर्डर होने वाला है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.